समझिए, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। एक बात समझना, ये इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है समझा दे आपको। आप मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ x और y में, ऐसे लिख दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। मैं कहता हूँ क्या आप इस एक्सप्रेशन को y को x की टर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते ना x को y की टर्म में। ऐसे एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं हम? इम्प्लिसिट फंक्शन। दैट इज इफ x इज नॉट एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ y और वाइस वर्सा, सच एक्सप्रेशंस आर नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शंस। क्या कहते हैं उनको हम? यार कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा रूल होता है इम्प्लिसिट। देखो अब यार एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो यहां हम उससे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इफ वी आर आस्क्ड टू फाइंड dy by dx, जब उसने ये कह दिया कि dy by dx निकालो, तो यानी कि एक्सप्रेशन में मैं y को x का फंक्शन मान के चलना है, क्या चलना है? तो उसके रूल क्या बनते हैं? जब भी आप y की पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले पावर फॉर्मूला लगा देंगे और y का क्या लिख देंगे? dy by dx। अगर आप log y का कर रहे हैं तो log का करेंगे पहले, कितना आएगा? 1 by y, और y का क्या आ जाएगा? dy by dx। अगर आप x into y का कर रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x का 1, y as it is, फिर x into dy by dx। अगर आप कर रहे हैं y upon x का तो quotient rule लगाएंगे, dy by dx into x minus x का 1 into y upon x square। ये तो वो केस था। सिमिलरली ये सारी चीज कंटिन्यू चलेगी, sin y का करेंगे तो cos y dot dy by dx। तो ये रूल हम फॉलो करते हुए जाएंगे। Are you getting this point? लेकिन अगर हमसे कोई कह दे कि if we are asked to find dx by dy, यानी अब x को किसका फंक्शन मानना है? y का। तो कुछ नहीं करना, x की पावर n का कर रहे हैं तो पहले पावर का कर दिया, फिर डॉट लगा के dx by dy, वही जहां y वहां x कर देना है। क्लियर है बात? क्वेश्चन ऐसे आएगा, जैसे मैं बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन इसमें पूछ रहा हूं, ऐसे आ गया कि फाइंड dy by dx इफ x square plus x square y plus y cube plus 9 is equal to 0। implicit expression है। आप सीधा लिखोगे differentiating with respect to x, लिख ले भाई कितना आएगा, d by dx of plus d by dx of प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 9, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर वाई में क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल, एक्स स्क्वायर एज इट इज तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब इस एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x इंटू वाई। ठीक है जी, यहां पहले किसका करोगे? पावर का 3y स्क्वायर और y का डी वाई बाई डी एक्स और 9 का 0। अब हम इसको dx by dy by dx के लिए सोल्व कर लेंगे, x square dy by dx plus 2xy plus 3y square dy by dx is equal to 0। इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है मुझे बता दो, उसको इधर ले जाओ तो x square plus 3y square कितना आ गया? dy by dx आ गया जी। अब dy by dx के लिए सोल्व करोगे तो dy by dx आपके पास आ जाएगा 2x plus 2xy और माइनस साइन यहां लगा दो, x square plus 3y square, चलेगा पक्का? ओके, ये था पहला इलस्ट्रेशन। ऐसे आ गया फाइंड dy by dx इफ साइन xy plus log y is equal to 0। साइन का एंगल क्या है? xy। तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, साइन का क्या आ जाएगा? cos xy। अब अंदर एंगल का करना पड़ेगा तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का 1 y as it is, x as it is y का dy by dx प्लस log y का करोगे कितना आएगा?
वन बाय वाई और फिर वाई का डीवाई बाय डी एक्स। अब यहां से भी हम क्या करेंगे, कॉस एक्स वाई इंटू वाई भी आएगा इसके साथ प्लस एक्स डीवाई बाय डी एक्स इस ब्रैकेट के साथ कॉस एक्स इंटू वाई मल्टीप्लाई कर दिया प्लस वन बाय वाई डीवाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो वाई डॉट कॉस एक्स वाई इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस डीवाई बाय डी एक्स कॉमन आ जाएगा एक्स कॉस एक्स वाई प्लस वन बाय वाई। इस एक्सप्रेशन से आप डिवाइड कर दो, जब इसको डिवाइड करेंगे तो dy बाय dx की एक वैल्यू आएगी, वो आएगी y डॉट cos xy अपॉन x cos xy प्लस 1 बाय वाई, ये आंसर आएगा और माइनस साइन लग जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? दूसरे तरह की डिफरेंशिएशन आई जिसको हम कहते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, वो कैसे करते वो भी देख लीजिएगा। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का एक सिंपल सा रूल होता है, या तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, ठीक है, या कांस्टेंट की पावर क्या हो, वेरिएबल, ठीक है, या आप इन जनरल ले लीजिए, जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो हमेशा कह लेंगे ऑलवेज टेक लॉग। लॉग की तीन बेसिक प्रॉपर्टी है, नंबर वन लॉग एक्स माइनस लॉग वाई क्या बन जाता है, लॉग एक्स अपॉन वाई। नंबर टू लॉग एक्स की पावर एन तो पावर आगे आ जाएगी। नंबर तीन लॉग एक्स इंटू वाई लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। नंबर चार ई की पावर लॉग एक्स इज एक्स, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ध्यान रखना इस बात का। अब जैसे कोई ऐसे मैंने कहा वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, ये कैसे करना हो, अगर बच्चा आपसे कोई कह दे कि जी डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू x की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, अब बच्चा इसमें क्या करता है, वो पावर वाला फॉर्मूला लगाता है, लेकिन यार वो पावर वाले फॉर्मूले में x की पावर कॉन्स्टेंट होता है, x की पावर क्या होता है, ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो सबसे पहला स्टेप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ले लिया तो आपके पास आ गया यहां से log y और log x की पावर x, ये आ गया log y, तो ये पावर आगे आ जाएगी तो x log x आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का करेंगे तो 1 बाई वाई, ठीक है, और y का x log x में क्या लगाओगे, प्रोडक्ट रूल, तो x इंटू 1 बाई x और x का 1 log x आ गया, तो dy by dx ये 1 by y को इधर भेज दो, ये x से x कट जाएगा तो 1 plus log x, y की वैल्यू क्या है, x की पावर x 1 plus log x आ गया आंसर, कोई दिक्कत। अब एक और चीज देखिएगा, अगर आपसे कोई कह दे कि जी डिफरेंशिएट y is equal to a की पावर x, ये क्या है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, अगर ऐसा करते हैं तो आपके पास आता लॉग वाई और लॉग ए की पावर एक्स, तो लॉग वाई आ गया, पावर आगे आ जाएगी एक्स लॉग ए आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग वाई का क्या आएगा, वन बाय वाई और डॉट वाई का, ये लॉग ए क्या है, कॉन्स्टेंट हो गया भाई, तो खाली x का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आया, 1 इंटू log a, तो dy by dx बन गया y log a, y किसके बराबर है, a की पावर x log a। ये एज अ फॉर्मूला भी इस्तेमाल होता है कई बार, मैं बताता हूं कैसे, जैसे आपको दे दिया गया कि यानी हमने क्या पढ़ा, d by dx ऑफ a की पावर x का डिफरेंशिएशन आ गया a की पावर x log a, तो d by dx ऑफ 2 की पावर x क्या आ जाएगा, 2 की पावर x log 2, यहां a ग्रेटर देन 0 कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सेट कर देते हैं डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू x की पावर sin x प्लस sin x की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें log ऐसे नहीं लिया जाता, इसमें u और v मेथड यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, लेट u इज इक्वल टू x की पावर sin x,
एंड वी इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर एक्स, तो वाई क्या बन गया यू प्लस वी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा, यू का क्या आएगा डी यू बाई डी यू, वी का क्या आएगा डी वी बाई डी एक्स। ये हमें निकालने पड़ेंगे कैसे, यू वाला एक्सप्रेशन क्या है एक्स की पावर साइन एक्स, तो ये क्या है फंक्शन की पावर फंक्शन, तो लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अगर मैं दोनों तरफ लॉग लेता हूं तो मेरे पास आ गया लॉग यू, तो लॉग एक्स की पावर साइन एक्स, तो ये आ गया लॉग यू, साइन एक्स को आगे ले आओ, करो डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वन बाय यू, यू का इसमें क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, साइन एक्स का आ गया कोस एक्स प्लस साइन एक्स बाय एक्स, तो डी यू बाय डी एक्स आपके पास आ गया, यू को उधर भेज देंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू एक्स की पावर साइन एक्स, तो कोस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स की पावर एक्स, ये तो डी यू बाय डी एक्स आ गया। सिमिलरली यू नीड टू कैलकुलेट वी किसके बराबर दे रखा है साइन एक्स की पावर एक्स, तो लॉग इसमें भी ले लेंगे, पावर आगे आ जाएगी एक्स लॉग साइन एक्स, तो नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन बाय वी डी वी बाय डी एक्स, एक्स का एक्स एज इट इज लॉग साइन एक्स का क्या आएगा वन बाय साइन एक्स, और साइन एक्स का भी होगा कोस एक्स प्लस एक्स का वन लॉग साइन एक्स, तो हमारे पास आ गया डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी इन टू एक्स कोट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। वॉट इज द वैल्यू ऑफ वी, ये आ गया आपके पास डी वी बाय डी एक्स, नाउ सी ये आप ले लीजिए टू और ये थ्री, तो आप क्या करोगे यूजिंग टू एंड थ्री इन वन, यूजिंग यूजिंग टू एंड थ्री इन वन, तो आपके पास आ गया डी वाई बाय डी एक्स एक्स की पावर साइन एक्स कोस एक्स डॉट लॉग एक्स प्लस साइन एक्स प्लस एक्स प्लस साइन एक्स की पावर एक्स एक्स इंटू कोट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, ठीक है यहाँ तक रखते हैं।